कल्याणपुर से भाजपा विधायक नीलिमा कटियार के जनता दरबार में आई शिकायतों के बाद उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को इसके निस्तारण के निर्देश दिए। हालांकि ये बात अलग है कि विधायक नीलिमा कटियार जहां पर रहती हैं वहीं पर बारिश के दौरान भीषण जलभराव होता है, इससे यहां पर रहने वाले लोग भी परेशान हैं। बताने चले कि विधायक के जनता दरबार में विभिन्न जगहों से लोग आए और जलभराव, कीचड़ आदि की शिकायत की, जिस पर विधायक नीलिमा कटियार ने नगर आयुक्त मदन सिंह गब्रियाल को फोन कर अधिक जलभराव वाले क्षेत्र के नाम नोट कराए और इसके जल निस्तारण की बात कही है। विधायक ने बताया कि शारदा नगर, रतनपुर, आईआईटी सोसाइटी, नवाबगंज, मकड़ीखेड़ा आदि इलाकों में बारिश के बाद कुछ ही घंटों तक पानी भरा रहता है, जिसके लिए जल्द से जल्द इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्रवासियों को बारिश के दौरान जलभराव की समस्या का सामना ना करना पड़े। नगर निगम और पूरी जो व्यवस्था थी वो पहले से ही नाले सफाई को लेकर और कहीं भी जलभराव की स्थिति ना खड़ी हो इसको लेकर जो पहले के अनुभव थे उस आधार पर साफ सफाई को लेकर हम तेजी से जुटे हुए थे सारी जगहों पर। कई जगहों पर मेरा भी जाना हुआ, कई जो हमारे बड़े नाले थे, हमारा रफाका नाला, हमारा मैनावती मार्ग पर जो नाला है, तो इन बड़े नालों के अंदर साफ सफाई कैसे और मशीनें ये सब देखने का काम जगह पर जाकर मैंने भी किया था। कुछ स्थानों पर अभी भी ऐसी स्थिति बनी है कि लोग परेशानी में हैं। तो अभी हमारी जैसे रतनपुर कॉलोनी है, हमारी आईआईटी माधवपुरम सोसाइटी के पीछे का इलाका है, हमारा अग्निहोत्र नगर है मकड़ीखेड़ा का, नवाबगंज का कुछ पोर्शन है, हमारा शारदा नगर का कुछ पोर्शन है जो कुछ घंटों के लिए भरा फिर निकला, और हमारा जो गोवा गार्डन सिद्धार्थ नगर का एक लोकेशन है वहाँ पर पानी दूर जगह से इकट्ठा होकर भरा है। ऐसे कई एक स्थान है जहाँ पर पानी अभी रुका है। तो इसको लेकर के मैंने जो अभी हमारे विकास प्राधिकरण को देख रहे थे उपाध्यक्ष जी, जिनको चार्ज मिला है